hello dear students how are you today we shall study a very important and interesting topic and the name of the topic is poem number 2 the lebanon top composed by ted hughes ted hughes was a great poet and translator of united kingdom he wrote so many poems and the lebanon top is one of them now let's start इस कविता में कवि वर्णन करता है कि किस प्रकार गोल्डफिंच पक्षी के आने से अमलतास का पेड़ परिवर्तित हो जाता है कविता में कवि सुंदर उजली शरद ऋतु अर्थात पतझड़ के मौसम का वर्णन करता है अमलतास का पेड़ शांत और स्थिर है वह सितंबर माह में पीली पत्तियों और पीले फूलों से लदा हुआ है पतझड़ के मौसम के कारण इसकी पत्तियाँ पीली पड़ चुकी हैं और सारे बीज गिर चुके हैं कवि विशिष्ट रूप से अमलताज पेड़ की ऊंचाई, अर्थात चोटी को दर्शाता है जो सितंबर की दोपहर में बहुत शांत है तभी गोल्डफिंच पक्षी उच्च स्वर में कोलाहल करती हुई अमलताज के पेड़ पर आती है गोल्डफिंच का घोंसला पेड़ पर था और उसके बच्चे घोंसले में आराम कर रहे थे माँ के लौटने पर पेड़ पर अचानक हलचल होने लगी बच्चे अपनी माँ के आगमन की उत्सुकता से चहचहाने लगे माँ बहुत सावधानी के साथ पेड़ पर आई जिससे कोई परभक्षी यह ना जान सके कि उसके बच्चे यहाँ घोंसले में रहते हैं कवि ने गोल्डफिंच के सतर्क आकस्मिक और सहज गतिविधि की तुलना छिपकली से की है गोल्डफिंज को अपने परिवार का इंजन कहा गया है जिस तरह इंजन मशीन को चालू करता है उसी तरह घोंसले में उसका आगमन भी शांत मशीन में अचानक हलचल उत्पन्न कर देता है अर्थात उसके छोटे छोटे बच्चे चहकने और शोर करने लगते हैं अपने बच्चों को खाना खिलाकर वह मशीन में ईंधन डाल देती है और इसके फलस्वरूप अब बच्चों में फुर्ती और शोर मचाने की ऊर्जा आ जाती है बच्चों को खाना खिलाने के बाद गोल्डफिंच उड़ती है और पेड़ की शाखा के छोर पर आराम करती है उसकी पहचान पीले फूलों और पीली पत्तियों के पीछे छिपी रहती है कुछ समय पश्चात गोल्डफिंच एक अजीब सा लघु उच्च स्वर उत्पन्न करती है फिर वह अनंत आकाश की ओर उड़ जाती है गोल्ड फिंच के जाने के बाद अमलताज का पेड़ फिर से शांत हो जाता है और प्रत्येक वस्तु वैसी ही दिखाई देती है जैसे गोल्ड फिंच के आगमन से पहले थी अमलताज का पेड़ हमारे सामान्य जीवन का प्रतीक है जो सामान्य रूप से उबाऊ और निर्जीव है गोल्ड फिंच इसके सामान्य स्वरूप को बदलता है और इसे जीवंत तो बना देता है गोल्ड फिंच के बिना अमलतास का पेड़ अन्य दूसरे पेड़ों के समान है नाउ वी शेल स्टडी द लाइन वाइज हिंदी मीनिंग ऑफ दिस पोयम लेट्स स्टार्ट द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल द लेबरनम टॉप अमलतास वृक्ष की चोटी इज साइलेंट शांत है क्वाइट स्टिल बिल्कुल स्थिर अर्थात गतिहीन है अमलतास वृक्ष की चोटी शांत तथा बिल्कुल स्थिर या गतिहीन है इन द आफ्टरनून अपराहन में येलो सितंबर सनलाइट सितंबर के पीले सूर्य के प्रकाश में ए फ्यू लीव्स येलोइंग कुछ एक पत्तियाँ पीली हो रही हैं ऑल इट्स सीड्स फॉलन तथा इसके सभी बीज गिर चुके हैं अर्थात पतझड़ के सितंबर महीने के अपराहन में सूर्य के पीले प्रकाश में अमलतास की चोटी शांत तथा बिल्कुल स्थिर है इस वृक्ष के कुछ पत्ते पीले होते जा रहे हैं तथा सभी बीज गिर चुके हैं टिल द गोल्फिच कम्स तभी एक सोन चिड़िया आती है विद ए ट्विचिंग चिरप एक उच्च स्वर में चेचाहट के साथ तभी एक सोन चिड़िया उच्च स्वर में चेचाहती हुई आती है ए सडननेस ए स्टार्टलमेंट एट ए ब्रांच एंड ए सडननेस एक अचानकपन ए स्टार्टलमेंट एक हैरानी के साथ एट ए ब्रांच एंड एक शाखा के सिरे पर एक अचानकपन तथा एक हैरानी के साथ एक शाखा के सिरे पर तभी एक सोन चिड़िया उच्च स्वर में चहचहाती हुई एक अचानकपन एक हैरानी के साथ एक शाखा के सिरे पर आकर बैठ जाती है अर्थात तभी एक सोन चिड़िया उच्च स्वर में चहचहाट करती हुई अमलतास की एक शाखा के कोने पर आकर बैठ जाती है तथा पेड़ पर एक अचानकपन तथा एक हैरानी सी छा जाती है देन सिलीक एज ए लिजर्ड एंड अलर्ट एंड एबरप्ट देन स्लीक एज ए लिजर्ड देन और इसके बाद फिर स्लीक चिकने पन से एज ए लिजर्ड एक छिपकली के समान और इसके बाद एक छिपकली के समान चिकने पन से एंड अलर्ट और अत्यधिक सावधानी से एंड एबरप्ट और अचानक से शी एंटर्स वह घुस जाती है वह प्रवेश कर जाती है द थिकनेस घने भाग में और फिर एक छिपकली के समान चिकनेपन से और अत्यधिक सावधानी से तथा अचानक से वृक्ष के घने भाग में घुस जाती है अर्थात चिड़िया बहुत सावधानी के साथ पेड़ पर आती है जिससे कोई परभक्षी ये ना जान सके कि उसके बच्चे यहाँ घोंसले में रहते हैं एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप और एक मशीन शुरू हो जाती है ऑफ चिटरिंग चहकने की एंड ए ट्रेमर ऑफ विंग्स पंखों के फड़फड़ाने की पंखों के कंपन की एंड ट्रिलिंग और ऊंचे स्वरों की धुन और एक मशीन सी शुरू हो जाती है चहकने की तथा पंखों के कंपन की तथा ऊंचे स्वरों की धुन की अर्थात ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे किसी मशीन ने चलना शुरू कर दिया तथा मशीन से चहकने की पंखों के कंपन की तथा उच्च स्वरों की धुन निकल रही है द होल ट्री ट्रेम्बल्स पूरा पेड़ कांपता है एंड थ्रिल्स और रोमांचित हो जाता है इट इज़ द ऑफ ऑफर फैमिली ये तो अपने परिवार का इंजन है अर्थात ये चिड़िया तो अपने परिवार का इंजन है अर्थात कवि गोल्डफिंच को अपने परिवार का इंजन कहता है जिस तरह इंजन मशीन को चालू करता है उसी तरह घोसले में उसके आगमन से शांत मशीन में अचानक हलचल उत्पन्न हो जाती है अर्थात उसके छोटे छोटे बच्चे चहकने और शोर करने लगते हैं शी स्टॉक्स इट फुल वह इसको पूरा भर देती है अर्थात वह मशीन को ईंधन से पूरा भर देती है देन फ्लड्स आउट और इसके बाद तेज़ी से उड़कर ब्रांच एंड एक शाखा के सिरे पर आराम करती है वह मशीन को ईंधन से पूरा भरकर अर्थात अपने बच्चों को भोजन खिलाकर तेजी से उड़कर एक शाखा के सिरे पर बैठकर आराम करने लगती है शोइंग हर बाड फेस अपना धारीदार चेहरा दिखाते हुए आइडेंटिटी मास्क पहचान छिपाकर और जब वह आराम कर रही होती है तो उसका चेहरा थोड़ा दिखता है उसके चेहरे पर आई टहनियाँ उसकी पहचान के लिए मुखोटा बन जाती हैं अर्थात उसकी पहचान को छिपा लेती हैं देन विद एरी डेलीकेट विसल चिर्रप विस्परिंग्स एरी मीन्स अद्भुत डेलीकेट मीन्स कोमल विसल चिरप विस्प्रिंग्स मीन्स सीटी जैसी चहचहाट के साथ और इसके बाद एक अद्भुत कोमल तथा सीटी जैसी चहचहाट के साथ शी लॉन्चेस अवे वह उड़ जाती है टू द इन्फिनिट अनंत की ओर अनंत आसमान की ओर और इसके बाद एक अद्भुत कोमल सीटी जैसी चहचहाट के साथ गोल्डफिंच अनंत आकाश की ओर उड़ जाती है एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी एंड द लेबरनम और अमलतास का वृक्ष सबसाइड्स शांत हो जाता है टू एम टी और खाली प्रतीत होता है और अमलताज का वृक्ष पहले की तरह शांत हो जाता है तथा यह बिल्कुल खाली अर्थात वीरान प्रतीत होता है नाउ इट इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लर्निंग एंड इन माई नेक्स्ट वीडियो आई शेल टीच यू एन अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक टिल दैन गुड बाय